आंटी अंकल में झगड़ा हो गया, रिश्तेदारों की जगह पर वो कर रहे हैं, तुम्हारे भैया आगे तो तुम लगाते हो। 450 की जैकेट बढ़िया वाले 450 का दे भैया, 450 में। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और अभी मैं कहाँ घूम रहा हूँ आप सब देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं हूँ नैनीताल की मॉल रोड पर, पीछे का व्यू देख के आप समझ गए होंगे कहाँ घूम रहा हूँ, और आपको मैं आज ये घुमाता हूँ। पिछले व्लॉग्स अगर फॉलो करते हो तो आपने देख रखा होगा फिलहाल आज के टाइम पे क्या सीन है, कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है और क्या माहौल है, कितने टूरिस्ट हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं फिर। सो इस साइड्स जो है शॉप्स वगैरह हैं और इधर बोटिंग वगैरह हो रही है, रीसेंट धूप निकली हुई है मस्ती। सो चलते हैं आगे और आगे आपको घुमाते हैं। अगर आप घूमना चाहते हो और आप चाहते हो कि होटल्स का कॉस्ट वगैरह ज़्यादा ना पड़े और ठीक ठाक हो तो आप ये टाइम आओ, बिल्कुल सही टाइम है। अभी दिसंबर आते ही या होटल्स के प्राइसिंग जो 1200 रुपए का होटल है वो आपको 4,500 ऐसे रुपए तक मिलेगा। तो अभी घूम जाओ, मत सही समय है घूमने के लिए। और अगर बर्फ़ देखनी है तो दिसंबर एंड में जनवरी स्टार्टिंग तक आओ, बर्फ़ी बर्फ़ देखने को मिलेगी, मतलब स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है तो वो टाइम बेस्ट है बर्फ़ देखने के लिए। बाकी गर्मियों में सबको पता ही है मई जून में तो यहाँ तांता लगा होता है, इतनी भीड़ होती है। अभी भी लोग हैं, मज़े ले रहे हैं। ये देखो चलते हैं आगे और आगे का दिखाते हैं आपको। और यहाँ मॉल रोड पे भी होटल्स वगैरह हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं, बट क्या है वहाँ पे पार्किंग का इशू है, आपको पार्किंग नहीं मिलेगी बिकॉज मॉल रोड पे पार्किंग, देखो क्या लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा था, है ना, नो पार्किंग। यहाँ पार्क करने का इशू वो नहीं है, अगर खड़ी करोगे चालान हो जाएगा, फ़ायदा क्या होगा। सो आप या तो तल्लीताल या तो मल्लीताल साइड ही होटल बुक करो, ठीक है, मॉल रोड पे कोई मतलब नहीं बनता। अगर मॉल रोड पे होटल लेना है तो गवर्नमेंट पार्किंग है आगे जहाँ पे नैना देवी मंदिर है उसके पास, वहाँ ले सकते हो। पर डे का शायद उसका कॉस्ट जो है 100 रुपया कुछ पड़ता है कार बुक कर कार रखने का, पार्क करने का। सो आप वहाँ भी कर सकते हो बट वो ऑलमोस्ट हमेशा फुल ही रहता है, तो इस टाइम तो खाली मिल जाएगा तो ना, बट जब पीक टाइम चल रहा होता है उस टाइम इश्यूज आते हैं, पार्किंग जल्दी मिलने नहीं आती क्योंकि बहुत रश रहता है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। रिज रोड ऊपर जा रही है, दिख रही है आपको यहाँ गाड़ी जा रही है, वो देखो जा रही है, ये रोड गई है ज़ू के लिए ऊपर। अगर आपको ज़ू जाना है चिड़ियाघर देखने के लिए जो मैंने आपको कल घुमाया था, यहाँ से ऊपर चले जाओ ज़ू के लिए पहुँच जाओगे। और जो उसका किराया मैंने आपको बताया था 60 रुपीज़ पर पर्सन होता है, यहीं नीचे से ही भैया बैठे हैं वो आपको दे देंगे। और वो टूरिस्ट वाली जो गाड़ियाँ हैं वो आती रहती हैं, किसी भी गाड़ी से आप बैठ के जा सकते हो, मतलब जो पहली गाड़ी होगी वहाँ उसमें बैठ जाइए, उतरने के लिए कोई चार्ज नहीं होता है। जो पहली गाड़ी मिले आप टिकट दिखाओ, वो टिकट फेंकना नहीं है, वही टिकट दिखा दो और उससे नीचे आ सकते हो, वॉक करते हुए भी जा सकते हो अगर आपके अंदर स्टेमिना है तो ये ट्रैक आप वॉक करके भी जा सकते हो, मैंने पिछली बार किया ही था, आपने देखा था। हाँ, अगर आपके साथ ओल्ड पीपल हैं तो आपको गाड़ी करनी पड़ेगी। ये है टिकट काउंटर, देखो यहाँ से टिकट लेनी है ये जगह से 60 रुपीज़ पर पर्सन। अब अगर आप दो लोग हो तो 120 रुपीज़, तीन लोग हो तो उसमें और ऐड कर दो, चार लोग उसमें और ऐड कर दो, और यहाँ से गाड़ी मिलेगी आपको। तो जब वो लोग खड़े अब ये टिकट दिखा के आप ऊपर बैठ जाओगे और सीधे ऊपर, ऊपर मतलब जू में, ऊपर नहीं। होटल्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगे हैं, प्रीमियम क्लास, बस के यहाँ पार्किंग वाला इशू है, यहाँ पर पार्किंग नहीं मिलेगी आपको। और यहाँ अगर होटल लेते हो तो आप लेक व्यू इन्जॉय कर सकते हो, देख रहे हो मॉर्निंग में। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए आपकी प्रेफरेंसेस के ऊपर है। और आपको बोटिंग का भी बता दूं, ये देखो लिखा हुआ है 210 और 160। अब ये पूरा चक्का आधा चक्का तो मुझे नहीं पता, ये देखो कुछ सेल्फी पॉइंट सा बना हुआ है मस्त सा, लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं। वो देखो वहाँ बोटिंग चल रही है। सो बोटिंग का क्या सीन है मैं आपको बोटिंग का बता देता हूँ। ये वाली जो बोट्स खड़ी हुई है ये वाली, इसका जैसे ये भैया लेके आ रहे हैं, इसका कॉस्ट जो है 210 रुपये है और ये आपको अराउंड लाइक
आधा घंटा 25 मिनट 20 मिनट आपको इसमें एक राउंड घुमाएंगे और ये चलाएंगे, ये खुद ये चला के लेके जाएंगे। और अगर आपको सेल्फ चलाना है तो वो वाली है, वो भी ले सकते हो, वो एक घंटे के लिए मिलती है, उसका भी कॉस्ट ऐसे ही कुछ है शायद, लास्ट टाइम मैंने किया था तो वो क्या है। लेकिन यार पता है, बता रहा हूँ, वो वाली अगर जो चलानी है ना, ये वाली भाई, इसमें पैरों की बैंड बच जाती है। सो अगर आप दो लोग एक लोग हो ना तो मत लेना, बिकॉज हालत खराब हुई। पिछली बार हम तीन लोग आए थे, हम दो लोग चला रहे थे, हालत पंचर हो गई थी। तो चार लोग हो आराम से चेंज करके चला सकते हो, अदरवाइज दिक्कत है। व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है उधर, है ना, उस साइड देख रहे हो क्या मस्त धूप पड़ रही है। और इधर देखो ठंडी सड़क, मैंने कल आपको दिखाई थी, वो ठंडी सड़क है क्योंकि उधर धूप नहीं आती, मैंने आपको बताया था, ठीक। और इस साइड धूप रहती है, फिलहाल तो धूप जा चुकी है, हल्की फुल्की है अभी भी, और उधर साइड नहीं है, देख रहे हो, इसलिए उधर ठंडी सड़क उसको बोला जाता है। और वाकई में उधर ठंडा लगता है, मई जून के टाइम पे आओगे एक्चुअली में आप फील करोगे कि भाई वो क्या जगह है। अभी तो आपको ठंडा है तो पता नहीं चलेगा, बट मई जून में ऑब्वियसली पता चलेगा। और ये है यहाँ का लाइब्रेरी हाउस, दिखाता हूँ आपको दूर से, ये देखो ये है, ये लाइब्रेरी हाउस है और शायद अभी बंद चल रहा है, खुलने का समय और क्या है, आप रोक के पढ़ लेना यार, ठीक है, पॉज करके। और अभी शायद बंद चल रहा है, मे बी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मुझे नहीं मालूम। सो ये भी मॉल रोड पे ही है, आप दोनों के तो पता चल जाएगा। बहुत सारे कैफ़ेज़ भी हैं, देखो लेक व्यू कैफ़े, मूनलाइट रेस्टोरेंट, ये सब, इन सभी होटल्स से इधर का व्यू आता है, तो आप आके इन्जॉय कर सकते हो। बट क्या है, थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सपेंसिव होंगे और जगह के हिसाब से, बट वो वर्थ है जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको लेक व्यू मिल रहा है इस वजह से। और ये वीडियो मैंने जस्ट टू समराइज एवरीथिंग इन वन वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको हर एक चीज़ का नॉलेज एक ही वीडियो में, जैसे कि क्या खर्चा आता है, कितना खर्चा आता है। और गाड़ी का अराउंड लाइक कितना, लखनऊ से मैंने तेल डलाया था अराउंड 6,500 रुपये का तेल लग जाता है, अगर गाड़ी का एवरेज 12-13 का है तो, ठीक है, इतना तेल लग जाता है। सो पेट्रोल अप्रॉक्सीमेटली लाइक 6,000 अराउंड लग जाएगा, 5,000 to 6,000, अगर आपको डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्किल और गाड़ी कौन सी चला रहे हैं उस पर है। और टाइम वही 7 से 8 घंटे आराम से, मैंने बताया जैसा कि आपका ड्राइविंग का स्किल होगा। इसके अलावा अगर कुछ बच गया है वीडियो में आपको नहीं बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आप आओ ट्रिप एंजॉय करो आके। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि तिब्बतन मार्केट की तरफ क्या माहौल है, वो भी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, दिखाता हूँ। ये है नैना देवी वाली रोड मंदिर की साइड और स्टेडियम के सामने वाला। तो इस रोड पे आप देख सकते हो कितना टूरिस्ट हैं, कितने लोग घूम रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है, लोग हैं, काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये वीकेंड है, सैटरडे संडे थोड़ा सा रश रहता है। और वो आपको दिख भी रहा हूँ, फिर से दिखाता हूँ, देखो देखा, सो हैं लोग घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, सैटरडे संडे में कल सन्नाटा हो जाएगा, आज तो है काफ़ी रश है। से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको अभी घूमने आना है कि नहीं आना है। जिनको जिनको भीड़ भाड़ पसंद है भाई, उनके लिए भी है माहौल वैसे, और जिनको नहीं पसंद है उनके लिए सन्नाटा भी है, ऐसी बात नहीं है, हर जगह भीड़ी रश भी है, रशी है, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ खाली है माहौल। मार्केट लगी हुई है, ₹450 का जैकेट, कोई सा भी पसंद करो तो ठीक था प्राइसिंग, वैसे देखा जाए तो जिस किसी को लेना हो ले सकता है। यहाँ पे कुछ 100 रुपये में स्वेटर है, अभी वो भी आपको दिखाता हूँ। 100 रुपये में स्वेटर, 100 रुपये में स्वेटर, 100 रुपये में स्वेटर, 100 रुपये में स्वेटर।
ये ऐसा कुछ है 100 रुपीज में। ये लो 100 रुपए में सेट है, 100 रुपए में सेट है। सो जैकेट कोट स्वेटर जो लेना हो आप ले सकते हो यहाँ आके। इतना भीड़ है यार, चलने को भी दिक्कत हो रही है। इतना रश है कि चलने को भी दिक्कत हो रही है, देख रहे हो। सी लोग लेने में लगे हुए हैं। यहाँ पे भी जो स्टॉल लगी है इसमें भी 100 रुपए के हैं, और देखने में भी देखो सब डिसेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो आगे चल के दिखाते हैं। हम भी रुके। आंटी अंकल में झगड़ा हो गया, रिश्तेदारों की जगह पर वो कर रहे हैं। तुम्हारे भैया आगे थे, तुम लगा तो तुम लेट ही कर। ये देखो ये कुछ एंटीक चीज लग रही है मेरे को। इनका भैया सबका कॉस्टिंग अलग अलग है, भैया इसका सबका कॉस्ट अलग अलग है। मैं आप लोगों के लिए एक का कॉस्ट पूछता हूँ, किसी का इसका बता दो भैया जरा। 150। ये 150 का है, मस्त लग रहा है भाई, है ना। और ये पीछे वाला भैया 800। तो देख लो, अगर ये सब पिछली बार मैं आया था एक लेके गया था, आप लोगों को कुछ पसंद हो तो ले सकते हो यहाँ से, मस्त लग रहा है। और ये कैप्स वगैरह विंटर वाली, ये किसी का भी कोई सा भी लो, 100 रुपए। ये कैप ये ओरिजिनल तो होगा नहीं भाई, अंदर से भी फट लगा है। हाँ है तो मस्त। अच्छे देखो भाई, शायद दो तरफ से तीन तरफ से कितनी तरफ से पहनने वाला समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ है, बढ़िया है। इसमें तीन कैप्स हैं यार, तीन है भैया इसके अंदर जो इधर रखी हुई हैं, उसको बुलाने के लिए इन्होंने कर रखा है ऐसा, निकाल देंगे तो बाहर आ जाएगा। सो है वैसे सिंगल ही दोनों साइड से पहन सकते हैं, आप पहन तो सकते हैं, लेकिन अब ये पहनेंगे भैया तो जोकर ही लगेंगे। तो ये पर 100 रुपीज़ की है, कोई भी पसंद करो यार, जो भी समझ में आती हो अपने पापा पापा के लिए लेके जाओ, हम तो ना पहनने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये रही वो तिब्बतन मार्केट जिसकी मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे जो कपड़े की क्वालिटी मिलेगी भाई, जो अभी अब मैं दिखा रहा था उससे बहुत डिफरेंट होगी। हाँ बट प्राइसिंग भी बहुत डिफरेंट होगी। वहाँ जो चीज़ 450 रुपये की मिल रही है, शायद यहाँ वही चीज़ 1400 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये अप्रॉक्सीमेट मिलेगी। हाँ बट इस बात की गारंटी है कि वो प्रोडक्ट अल्टीमेट होगा। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, देखो है सी, इसकी बात ही अलग है भाई, इसकी क्वालिटी की बात ही अलग है। और इधर फूड कोर्ट है, खाने पीने की शॉप्स वगैरह हैं, देख लो। और ये है जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ की गवर्नमेंट पार्किंग। अब देख लो, मैं एक अराउंड व्यू दिखा देता हूँ आपको। सो अभी तो काफ़ी फ्री है, स्पेस है, बिकॉज क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं, लेकिन फिर भी देख रहे हो कितनी भरी हुई है, तो आपको गाड़ी का स्पेस आराम से मिल जाएगा, खड़ी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इससे बगल में ही लग के स्टेडियम है, सो स्टेडियम के बगल में है ये, आप ध्यान रखो जब भी आओगे, ठीक है। और पार्किंग का मैंने आपको बताया था 100 कुछ अप्रॉक्सीमेटली रुपये पड़ता है। अभी यहाँ कोई है नहीं तो मैं पूछता, कोई दिख नहीं रहा किससे पूछना है। और मैं अब स्टेडियम आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ बच्चे कुछ खेल रहे थे, वो देखो। अब एक दो महीने पहले यहाँ चल रहा था टूर्नामेंट, तो बंद हो गया है। ये स्टेडियम का व्यू है। अभी पैक करा ली यहाँ की फेमस बाल मिठाई, जो कि यहाँ की फेमस उत्तराखंड की, सभी लोग लेके जाते हैं, मेरे घर में सब लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने 1 किलो पैक करा ली है। आप लोग भी आइएगा तो ट्राई जरूर करिएगा, बाल मिठाई बहुत बढ़िया है, टेस्ट बहुत बढ़िया होता है इसका।